ये क्या है बच्चों, न्यूटन्स क्रेडल है। तो आज न्यूटन क्रेडल से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यार गाइस, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल है, उसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, बॉल के साथ खेलते हैं। अभी सी, अगर आप यहाँ पे फोकस करो ध्यान से, जब मैं एक बॉल ऊपर ले रहा हूँ, देखो एक बॉल अगर मैं ऊपर लेता हूँ, जब भी इसको इसे टकराएगा तो एक ही बॉल जा रहा है। ध्यान से देखना, एक ही बॉल जा रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों बच्चों, दिख रहा है एक ही बॉल जा रहा है। देखो फिर से रिपीट करता हूँ, सपोज मैं एक बॉल लेता हूँ, एक बॉल को ऊपर लेता हूँ, तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब मैं उसको छोड़ देता हूँ तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो उसका मोमेंटम किसी और को ट्रांसफर कर देता है, मतलब लास्ट वाले बॉल को ट्रांसफर करता है। चलो ठीक है, अब मैं दो बॉल लेता हूँ गाइस, दो बॉल छोटे छोटे बॉल्स यार, जिनका मास ऑलमोस्ट सेम है यार, मास सेम है। अगर देखो मैंने यहाँ पे दो बॉल पकड़ा, थोड़ा एक गलती से निकल गया, तो एक रुको, दो बॉल है मैंने पकड़े, देखो मैं दिखाने चाहूंगा, दो बॉल दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, मैंने दो बॉल छोड़ा, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दो ही बॉल जाएगा, ये देखो दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, ये दो बॉल भले आपको पूरा दिख रहा है पर दो जाएगा। सपोज मैंने तीन बॉल यहाँ पे पकड़ा, जब मैं तीन बॉल छोड़ूंगा ना, तो यहाँ पे तीन ही बॉल जाएगा। इन शॉर्ट में बेस्ट एग्जाम्पल, एक बॉल लेता हूँ तो एक ही बॉल जा रहा है, बेस्ट पूरा क्लियर हो रहा है यूजिंग न्यूटन क्रेडल गैस। बट अब मेरे दिमाग में एक डाउट है कि अगर मैं दो बॉल लेता हूँ, देखो फिजिक्स क्या होता है ना, इट्स नथिंग बट एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे फैक्ट्स चलते हैं, ऐसे हवा में तीर मार के नहीं चलेगा यार। अगर मैं यहाँ पे दो बॉल, यहाँ पे एक बॉल ले रहा हूँ, तो एक बॉल से मैं जब ये दूसरा टकराएगा, तो यहाँ पे एक ही बॉल क्यों आ रहा है, दो बॉल क्यों नहीं आ रहा है? चलो उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। समझा मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? अगर मैं एक बॉल छोड़ता हूँ तो यहाँ पे एक ही बॉल आ रहा है, दो बॉल क्यों नहीं आ रहे, व्हाई? लेट्स सी, उसका रीजन मैं आपको अभी बताता हूँ गाइस, ठीक है? तो देखो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो बिफोर कोलिजन, ये कोलिजन होने से पहले मोमेंटम क्या था, एम इंटू वी, मतलब इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद जब मैंने कोलिजन दिया, जब उसको वर्कआउट हुआ, तब आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, एम टू इंटू वी टू, मतलब फाइनल मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला है, क्या है तुम्हारा, एम वी वन एम वी फाइनल और इनिशियल और फाइनल, ठीक है? नाउ यहाँ पे मैंने क्या बोला था, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होने वाला है। व्हाट डू मीन बाय लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी विल नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। हमने अभी तक ये सुना था, आज हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी है गाइस, वो एक एनर्जी यहाँ से इसको क्रॉस, ये जो है इसके ऊपर जाता है बॉल, और ये बॉल आगे इसको एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स सी द एग्जाम्पल। मैंने एक केस लिया, क्या केस है गाइस, कि मेरा केस में ये अज्यूम कर रहा हूं कि मास में एक बॉल अगर मैं छोड़ता हूं, यहाँ पे दो बॉल जाएंगे, मैं अजम्पशन है। लेट मी चेक माई अजम्पशन इज राइट और रॉन्ग। अगर मैं एक बॉल छोड़ रहा हूँ तो वहां पे दो बॉल जाने चाहिए, ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा था, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आपको यहाँ पे विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पता चलेगा गाइस। तो देखो कैसे है ना, मास वन और वी वन, सपोज यहाँ पे मैंने मास वन ले लिया गाइस, और वी वन इज इक्वल टू एम वी टू। तो 2m क्यों लिया यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे दो मास है, ठीक है? बिकॉज दो मास है, मतलब दो बॉल जैसे 2m लिया, और v2 मतलब उसके v2। तो v2 क्या हो गया, 1/2 v1, v2 क्या हो, 1/2 v1, ठीक है? नाउ सी द काइनेटिक एनर्जी इन इनिशियल। देखो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लिया, पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लिया, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी में क्या दिक्कत है ना, कि दोनों का सेम हो जाएगा, mgh mgh तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने वो कंसिडर नहीं किया। जैसे आई एम कंसिडरिंग काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल में क्या है गाइस, एक ही बॉल छोड़ रहा हूं मैं, तो हाफ मास इनटू वी वन का स्क्वायर, मास हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर हो गया, ओके। बट नाउ नेक्स्ट में काइनेटिक एनर्जी फाइनल में क्या हो जाता है, हाफ 2m, 2m क्यों, बिकॉज गाइस दो बॉल जा रहा है इसलिए, इनटू वी टू का स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 1/4 m v1 स्क्वायर गाइस, 1/4 m v स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए गाइस आप लोग, कि यहाँ पे एक मिनट में, इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करो, काइनेटिक एनर्जी क्या है तुम्हारा, हाफ एम वी स्क्वायर, अगर इसमें आप ऑब्जर्व करो 1/4 m1 v स्क्वायर, दिस इज नॉट इक्वल। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल इज वॉलेट। ये ओबे रूल ओबे कर रहा है, कौन सा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों, मैंने बोला था ना वो, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है हाफ एम वी स्क्वायर, जो इनिशियल एनर्जी जो है इज नॉट इक्वल टू फाइनल एनर्जी हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए जब मैं एक बॉल छोड़ता हूँ तो एक ही बॉल जाता है, बट अगर मैं एक बॉल को ऊपर से छोड़ता हूँ गाइस, तो यहाँ पे देखो दो बॉल नहीं जा रहे, एक ही बॉल जा रहे। इसका रीजन ये है कि
ये ऑबे करेगा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप लोग को मोमेंट ऑफ एनर्जी समझ में आ गया होगा, मोमेंट ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया होगा गाइस।